हेलो किड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 16 स्टेट गवर्नमेंट। आज हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन इंडिया देर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2021 के अपडेट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एरिया और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, ये सब मिलकर क्या करते हैं, विधानसभा बनाने का अधिकार है इनको। अब देखिए, यूनियन टेरिटरीज क्या होता है, एक छोटा सा एरिया होता है, इसलिए लोकल गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन जो किसके नियमों के अनुसार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार होता है। अब भारतीय संविधान में लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई है, और कंट्रीज गवर्न एज पर दीज सब्जेक्ट्स। और भारत का जो गवर्नमेंट जो है काम करती है, वो है ना, वो किसके अनुसार करती है, इन सब्जेक्ट्स के अनुसार काम करती है। पहला सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट, देर आर 97 सब्जेक्ट्स इन दिस लिस्ट। इस लिस्ट में कितना सब्जेक्ट्स हैं, 97 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और इस पर जो कानून बना सकती है, कौन बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट ही इस पर कानून बना सकती है। इन नियमों, इन सब्जेक्ट्स पर कानून कौन बनाता है, यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है। फिर आएगा स्टेट लिस्ट, देर आर 62 सब्जेक्ट्स इन दिस लिस्ट, और इस लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, 62 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और इन सब्जेक्ट्स पर नियम बनाने का, लॉ बनाने का केवल किसको अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट को ही अधिकार है, ठीक है। उसके बाद आएगा कॉन्क्यूरेंट लिस्ट, इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, 52 सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, 52 सब्जेक्ट्स हैं, और इन सब्जेक्ट्स पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं, कानून बना सकती हैं, ठीक है। यदि मान लो किसी विवाद की स्थिति आती है, दोनों के बीच लॉ बनाने में कोई विवाद की स्थिति आती है, तो इसमें किसके, फिर किसका काम चल, किसका नियम चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम चलेगा, ठीक है। अब आता है रेसिडरी लिस्ट। अब क्या होता है, जब संविधान बना था उस समय क्या हुआ था, एक तो पहले, सबसे पहले तो क्या है, रेसिडरी लिस्ट में लिमिटेशंस नहीं होती, कोई भी सब्जेक्ट्स की लिमिटेशन नहीं है। अब क्या होता है, संविधान बनाते समय जो सब्जेक्ट्स का निर्णय नहीं हुआ था, जैसे कि टेलीविजन है, मोबाइल है, दूरदर्शन है, कंप्यूटर है, साइबर है, और अलग अलग प्रकार के जो चैनल्स हैं, तो इन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो कह सकते हैं कि रेसिडरी लिस्ट में वो चीज़ें आती हैं, जैसे मोबाइल आता है, दूरदर्शन आता है, उसके अलावा साइबर आता है, कंप्यूटर आता है, इन सभी पर कानून रेसिडरी लिस्ट के अंतर्गत बनते हैं, और इसका जो क्यों, कौन बना सकता है नियम, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। विधानसभा की हम बात करें अगर, तो जिस प्रकार से स्कूल जो है शिक्षा विभाग के अंतर्गत चलता है, शिक्षा विभाग के कानून के अंतर्गत चलता है, लोकल बॉडीज होती है जो ग्राम पंचायत के अनुसार चलती है, उसके बनाए नियमों का फॉलो करती हैं, उसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, उनके द्वारा बनाए गए नियम जो होते हैं, राज्य की सीमाओं के अंतर्गत उनका पालन होता है, वो जो बनाए गए नियम होते हैं वो राज्य की सीमाओं के अंतर्गत ही होते हैं। और देखो, स्टेट गवर्नमेंट के जो बनाए कानून हो तो स्टेट के में लागू होते ही हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून भी वो सेंट्रल में, सॉरी, स्टेट में लागू होते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम देखें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर दो हाउस होते हैं, देर आर टू सदन इन सम स्टेट्स, विधानसभा आर लेजिस्लेटिव असेंबली, सेकंड विधान परिषद आर लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो दो, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां पर दोनों होते हैं, लेकिन अगर हम एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में कितने हैं, केवल एक ही चीज है, विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर एमपी की लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें, तो ठीक है, सबसे पहले द नंबर ऑफ मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं, 500 होते हैं, और मिनिमम कितने होते हैं, 60 होते हैं। सिक्किम और पांडिचेरी जो है उसमें 40 कितने होते हैं, 40 और 30 मेंबर्स होते हैं। सिक्किम में कितने होते हैं, 40 होते हैं, और पांडिचेरी में कितने होते हैं, 30 होते हैं। लेकिन अगर हम एमपी की बात करें, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एमपी इज 230। लेजिस्लेटिव असेंबली अगर एमपी की बात करें तो कितने हैं, कितने मेंबर्स हैं, 230 मेंबर्स हैं। अब देखिए,
अब हु कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर कौन बन सकता है, यानी कि एमएलए कौन बन सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या है, सबसे पहले तो एक उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। दूसरा उसकी उम्र कितनी होना चाहिए, कम से कम 25 साल की होना चाहिए। इसके अलावा वो किसी लाभ के दूसरे पद पर नहीं हो, ठीक है। वो मानसिक रूप से अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, अस्थिर नहीं होना चाहिए, और दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इलेक्शन प्रोसेस देखिए, इलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है। द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ एमएलएज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विधानसभा, विधानसभा के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, देखिए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विधानसभा आर इलेक्टेड इन सच अ वे दैट द 230 सीट्स आर प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेड, 230 सीट्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड फॉर मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, यदि कोई व्यक्ति है एक या दो, एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव उसका होता है, तो उसको एक से क्या करना पड़ेगा, उसको रिजाइन देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। इफ देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट द इलेक्शन ऑफ एनी कैंडिडेट देन अ पिटीशन कैन बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट, यदि मान लो अब इस बीच कोई कंट्रोवर्सी होती, कोई विवाद की स्थिति बनती है, तो वो मेंबर क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में पिटीशन याचिका दायर कर सकता है। आफ्टर एक्सेप्टेड द पिटीशन द हाई कोर्ट गिव्स द वर्डिक्ट, पिटीशन प्राप्त करने के बाद हाई कोर्ट क्या करता है, वर्डिक्ट देता है, अपना जो निर्णय देता है। इट कैन आल्सो बी अगेंस्ट द कैंडिडेट, तो अब उसका निर्णय या तो उसका कैंडिडेट के पक्ष में भी हो सकता है और उसके विरुद्ध भी हो सकता है, और अगर उसके विरुद्ध होता है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंसल्ट टेशन विद द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इश्यू अ नोटिफिकेशन इन विच द डेट्स ऑफ इलेक्शंस आर डिक्लेयर्ड। अब देखिए उसकी डेट के लिए क्या है, एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, नॉमिनेशन की डेट भी होती है कि भाई आपको चुनाव के लिए आपको नामांकन देना, आपका नाम देना है, विड्रा, फिर अगर फिर उसके बाद चुनाव के लिए नाम देने का तो के बाद फिर एक ऑप्शन ये भी रहता है कि आप नाम अपना वापस ले भी सकते हो, भाई आपने चुनाव के लिए नाम दे दिया कि भाई मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन अब फिर कुछ ऐसे परिस्थितियाँ अगर बन जाती, परिस्थितियाँ बस कुछ जो भी परिस्थितियों के अनुसार आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे को तो वापस अपना नाम जो दिया है वापस लेना, तो आप ले सकते हो, है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि वोटिंग की डेट फिक्स की जाती है और पब्लिकली इसको क्या कहते हैं, इशू किया जाता है, पब्लिक के सामने उसको घोषित किया जाता है कि भाई इस डेट को आपके चुनाव है। द वोटिंग टेक्स प्लेस अंडर द गाइडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और जो वोटिंग होती है वो इलेक्शन कमीशन के गाइडेंस में उसके निर्देशानुसार होती है। व्हेन द इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्स द लिस्ट ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स देन द विधानसभा इज फॉर्म्ड। जब इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन होने के बाद जो लिस्ट बनती है उसको इलेक्शन कमीशन उसको डिक्लेयर करता है, उसके बाद विधानसभा का फॉर्मेशन होता है, उसकी रचना होती है। विधानसभा का टर्म कितना होता है, 5 साल का टर्म होता है। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी द गवर्नमेंट इश्यूज द डिस्क्रिशनरी पावर्स एंड कैन आस्क द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द असेंबली। असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट को कहा जाता है, गवर्नर प्रेसिडेंट को कह सकता है कि भाई आप इसको डिसॉल्व कर दें। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कैन आल्सो आस्क द गवर्नर टू डिसॉल्व द स्टेट असेंबली। और देखिए अगर स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करना है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद भी गवर्नर को कह सकती है कि भाई आप इसको डिसॉल्व कर दो स्टेट असेंबली को। द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द विधानसभा हैज, अब देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली होती या विधानसभा, उसमें क्या क्या होता है, एक तो स्पीकर होता है और एक डेप्यूटी स्पीकर होता है, सभापति और उपसभापति होता है। कौन कौन होते हैं, सभापति और उपसभापति होते हैं। तो इस प्रकार से आपका पहला पार्ट यहां पर खत्म होता है। हम दूसरे पार्ट में पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ विधानसभा पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।